तू शादी करेगी या नहीं। मैं तो मुझे इस तरीके से मनाएगी शादी करने के लिए गाड़ी रोक। जस्ट शट अप। तो तू मान ले कि तू सरब से अभी भी प्यार करती है। मेहर और सरब की सगाई हो रही है और हानिया बीच में आ जाती है। भाई पहले भी हानिया कई बार बीच में आ चुकी है, लेकिन इस बार तो मेहर बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। और यहाँ पर वो मेहर ना खुद ही बोल चुकी थी सरब से कि मैं तो बहुत इस रस्म के लिए ना बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। तो मतलब तू उनसे नफरत करती है ना? मैं क्यों करूंगी? मैं प्लीज गाड़ी रोक। नफरत नहीं करती है तो मतलब प्यार करती है। मैं तेरा दिमाग खराब हो गया या तो तू मेरा दिमाग खराब कर रही है, गाड़ी रोक। और चुन्नी वगैरह ना उसको पहन के दिखा भी देती है। और यहाँ पर हमने देखा ही था एक सीन के भाई छत पर वो मिलने आ जाती है और वहां पर हानिया पहले से होती है। अब हानिया को वो देख तो नहीं लेती है, लेकिन मेहर ना वार्निंग दे देती है सरब को और बोलती है कि अगर मेरे मेरा भरोसा कर। मम्मा ने जैसे ही तेरी और सरब जी की शादी की बात की थी, मैंने कभी अपनी फीलिंग दबा दी थी। मैं उनके पीछे नहीं हूँ, मैं उनके बारे में सोचती तक नहीं हूँ। प्लीज मेरा यकीन कर। तुम्हें कभी देख लिया ना कि तुमने मेरे संग धोखा किया है या किसी और लड़की के साथ देख लिया तो सोच लेना कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। और यहां पर ये सारी वार्निंग वगैरह देके नीचे चली जाती है। और फिर हम देख रहे कि भी एपिसोड में यहां पर सारे लोग बहुत खुश है चुन्नी वगैरह चढ़ाने पर। फीलिंग्स तो फीलिंग्स है ना, मैं उसका क्या करूं? तो साबित कर हानिया, तू यही कहती है ना कि तू मेरे लिए जान भी दे सकती है, तू मेरी खातिर शादी नहीं कर सकती। यानी कि रस्म स्टार्ट हो जाती है और अचानक से लाइट चली जाती है और ये जो चुन्नी होती है ना मेहर की जगह हानिया के ऊपर चढ़ जाती है। अब भाई ये सारी चीजें तो हमें पता ही है ना कि सरब की माँ मुन्नी जो है वो सब कर रही है। अगर तुझे ये सब करना ही है ना तो तू विक्रम से शादी कर ले। मैं मान जाऊंगी कि तेरे मन में सरब के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगी ना हानिया, ये गाड़ी नहीं रुकेगी। क्योंकि वो तो मेहर से बदला लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों बहनों के बीच में भाई दुश्मनी हो गई है। क्योंकि किस तरीके से जब ये चुन्नी उसके चढ़ जाती है ना तो मेहर बहुत गुस्सा करती है और मेहर आ जाती है। मैं प्लीज गाड़ी रोक, मैं प्लीज गाड़ी रोक, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं प्लीज गाड़ी रोक। हानिया को खींचतांच करने लगती है, उसके सर से ना चुन्नी हटाने लगती है और बोलती है मेरी चुन्नी है, मेरे को वापस दे। और यहाँ पर भाई बहुत कुछ मेहर सुना देती है हानिया को और हानिया रोते रोते ना बाहर निकल जाती है। अब मेहर फिर पहुंच जाती है हानिया के पास और बोलती है कि मेरे को पता लगा है तेरा सच कि तू सरब से प्यार करती थी, तेरे पास सारी चीजें कैसे है? यहाँ पर सरब जी की जैकेट भी है और तूने एक लेटर भी लिख रखा था जो तेरी अलमारी में मिला है, तो मुझे सच बताओ। यहाँ पर हानिया बता देती है कि हाँ मैं पहले प्यार करती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेहर तेरी शादी ना सरब से हो जाए और मैं अब कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहती सरब से। और यहाँ पर मेहर उसको वार्निंग वगैरह भी दे देती है कि तू ना खबरदार दूर रहना मेरे सरब से और यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं है, तेरे बिना सारी चीजें हो जाएंगी, यहाँ पर शादी भी हो जाएगी, सगाई भी हो जाएगी। और ये सारी चीजें सुनकर ना हानिया बहुत दुखी हो रही है, बहुत रो रही है, क्योंकि भाई वो तो मेहर से बहुत प्यार करती है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आएगा। वैसे मैं आपको बता दूंगी जो शशि को जेल में बंद किया हुआ था ना वो वापस आ गया और यहाँ पर भाई वो हानिया को कर रहा है परेशान।